नमस्कार पेरेंट्स पेरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट ऑफ शेम, शर्म, ये कैसे सिखाएं, कैसे उन्हें समझाएं कि हम पब्लिक प्लेसेस में या कहीं पे भी अपने कपड़े नहीं उतार सकते, कि एक बहुत ही प्राइवेट चीज़ है और एक बंद दरवाजे के पीछे करनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ऑफ अनड्रेसिंग, वेयर टू अनड्रेस, कहाँ करना है, कब करना है, कहाँ नहीं करना, ये कैसे अपने बच्चों पे हम इसकी सीख कैसे दें। सो देखिए, अब इसमें दो तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक है कि समझ बढ़ानी है, ऑफ कोर्स बच्चे को ये समझाना है कि पब्लिक और प्राइवेट स्पेस क्या होती है, दैट इज कॉग्निशन, समझ पे काम करना। द सेकेंड इज, कुछ बच्चों का कैसा होता है कि बैठे हैं, कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है, सडनली कुछ गिर गया, पानी गिर गया, कुछ खा रहे थे, लग गया, तुरंत वो उतार के फेंक देंगे। कुछ बच्चे होते हैं गर्मी लग रही है, उतार देंगे। सडनली एक मेल्टडाउन हुआ या टैंट्रम हुआ जिसमें बच्चे ने बहुत मोटर बिहेवियर्स दिखाए, भागा दौड़ा, पसीना आया, डिस्कम्फर्ट हुआ, वॉन्ट्स टू रिमूव द क्लोथ्स। सो मल्टीपल कारणों से, कभी कभी एक मेल्टडाउन में भी बच्चे अपने कपड़े उतार देते हैं। एक बच्चा था, वो बाहर जाना चाह रहा था कमरे के, तो माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया कि नहीं नहीं जाना है, तो उसको गुस्सा आया, तो वो भागा दौड़ा, उसने खूब इधर उधर करने का किया कोशिश, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी बच्चे की निकली, स्वेटिंग हुई, और जैसे ही माँ ने कमरे के बाहर निकाला, बच्चे ने तुरंत अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। राइट, सो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ मेल्टडाउन, सेंसरी इशू, समझ ना समझी, या कभी कभी एज अ पार्ट ऑफ टैंट्रम ऑल्सो। राइट, सो बहुत कारणों से बच्चे ये करते हैं। समटाइम्स इट इज़ जस्ट डिस्कम्फर्ट, उन्होंने कुछ पहना हुआ है, कोई पर्टिकुलर टेक्सचर है, कोई पर्टिकुलर लेंथ ऑफ क्लोथ है, स्लीवलेस है, फुल स्लीव है, एनीथिंग विच इज़ अनकम्फर्टेबल, और बच्चा वो निकालना चाहता है। राइट, सो ये ज़्यादातर कारणों से बच्चे करते हैं। बट ऑल सेड एंड डन, किसी भी कारण से बच्चा करे, छोटा है तो चलो सोशली एक्सेप्टेबल है, बट बड़ा हो गया है, लड़की है, तो चाहे कोई भी इशू हो, चाहे वो इनमें से किसी भी कारण से हो, माँ बाप को नहीं अच्छा लगता ये चीज़, है ना। नोबडी वॉन्ट्स देयर चाइल्ड टू डू दिस इन पब्लिक। सो हाउ डू वी हेल्प द चाइल्ड, हाउ डू वी उनको कैसे सिखाएं, कैसे समझाएं। जो सबसे ईजीएस्ट चीज़ है ना, अब समझ पे तो काम करेंगे, वो धीरे धीरे आएगी, है ना, उसके लिए भी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन जो प्रैक्टिकल है और तुरंत अप्लाई कर सकते हैं वो ये है कि पहली चीज़, जो बिहेवियर आप बाहर एक्सपेक्ट करते हैं ना बच्चे से, वो ही आप घर में भी इम्प्लीमेंट कीजिए। आप अपने बच्चे को बाहर लेके जाते हैं तो आपको लगता है कि मेरे बच्चे को समझ नहीं है कैसे बैठना है, तो मैं उसे पजामा पहना के लेके जाऊंगी और लंबा टी शर्ट या लंबी फ्रॉक पहनाऊंगी, लेकिन घर में बच्चा बनियान और चड्डी में घूम रहा है, नहीं, नो। पहले दिन से आदत डालिए कि आपको ढका हुआ रहना है, चाहे आप घर में हैं चाहे आप बाहर हैं, तो उनको लेयर्स में कपड़ा पहनाइए, नीचे एक बनियान, उसके ऊपर एक टी शर्ट, लड़की है तो उसको भी बनियान, ऊपर एक लंबी फ्रॉक या लंबी कुर्ता या लंबा टी शर्ट, नीचे अंडरवेयर, अंडरवेयर के ऊपर एक शॉर्ट्स, शॉर्ट्स के ऊपर पजामा या लेगिंग या जीन्स या पैंट, ये घर में भी आदत डालिए। ये एज अ पेरेंट हमारी पहली चूक है कि हम घर में कुछ और करते हैं और बाहर बच्चे से कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं, ठीक है। तो बच्चे को क्लोदिंग में रखिए, लेयर्स में रखिए, एक ऊपर और एक नीचे से काम नहीं चलेगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि जो लोअर है, मतलब नीचे जो पहना रहे हैं, उसको
टाइट फिटेड रखिए, बच्चे का चड्डी टाइट होना चाहिए, ऐसे लटक रहा है नहीं, बच्चे ने उसके ऊपर पजामा पहना है तो बिल्कुल ढीला ढाला नहीं, लेगिंग्स टाइप का जो बिल्कुल शरीर से चिपका रहे, या जीन्स पैटर्न का जो मोटे कपड़े का चिपका रहे शरीर से, उस टाइप का पहनाएंगे। ऊपर भी, ऊपर का निकालना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है, इसलिए बच्चा ऊपर से पहले हमेशा नीचे उतारता है, मुश्किल है ऊपर का टी शर्ट को करना, बट अगर आपका बच्चा वो भी करता है ना, तो उसको नीचे बनियान और बनियान के ऊपर लंबी टी शर्ट, अगर लड़की है तो कुर्ती या फ्रॉक, जिसको वहाँ से नीचे से उठाना पड़े, उसमें ही एंटेंगल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, जब नहीं इतना आसान होता दे गिव अप ऑन दैट एफर्ट, राइट। सो द वे यू ड्रेस योर चाइल्ड ऑल्सो मैटर्स एट होम, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट। द सेकेंड पॉइंट इज दैट, अब ठीक है हम बताएंगे आपको तरीके कैसे हम बच्चे की समझ बढ़ाएं, कैसे सेंसरी वर्कअप करें, बट आज आज हमें सल्यूशन चाहिए, हमें अपनी बेटी को लेके जाना है और पब्लिकली हमें डर है कि बच्चा ये कर देगा, तो क्या करें? द सिंपलेस्ट सल्यूशन इज कि बच्चे का जो भी ऊपर पहना है उसको थोड़ा लंबा करिए, लड़का है या लड़की डजेंट मैटर, लड़का है तो लंबी टी शर्ट पहनाइए, और जो उनके पैंट पे, उनकी टी शर्ट ऊपर से टी शर्ट और पैंट को पकड़ के बांध दीजिए। आप बेल्ट यूज़ करिए, आप गैलिस यूज़ करिए, आप कुछ नहीं है तो आप नाड़ा यूज़ करिए, राइट। बट वो अगर आप नाड़ा यूज़ कर रहे हैं तो नाड़े की जो गिठान है वो सामने नहीं होगी, वो पीछे होगी। अगर आप बेल्ट यूज़ कर रहे हैं, आप पब्लिकली जाने वाले हैं बाहर, तो बेल्ट उल्टी बांधिए और ऊपर से टी शर्ट डाल दीजिए ताकि वो सोशली ठीक दिखे। ऊपर से लंबी टी शर्ट है जो बेल्ट को नहीं देख पा रहा सामने वाला, तो वो बेल्ट उसमें कवर हो जाएगी, और बेल्ट उल्टी जो बकल है वो पीछे आगे नहीं, ताकि जब बच्चा अटेम्प्ट करे, आपने अगर नाड़ा बांधा है, बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है पर वो खींच ही नहीं पा रहा है ना उसको नीचे, है ना, और खोलने का भी अटेम्प्ट कर रहा है तो पीछे है, तो वो भी एक डिफिकल्ट टास्क है। सो ये उन बच्चों के लिए जिनके कॉग्निशन पे अभी काम करना बाकी है। गैलिस उल्टा, और गैलिस भी कैसे पहनाते हैं, टी शर्ट के नीचे, ऊपर से नहीं, नो नीचे हिडन, ताकि उसको ढूंढने में भी बच्चे को समय लगे, राइट। बेल्ट भी हिडन, हाँ ना, अगर आप घर में कर रहे हैं तो फिर आप कैसे भी करिए, इट डजेंट मैटर, लेकिन बाहर भी हमें ये भी ध्यान देना है कि इट इज सोशली, मतलब सब हमारे बच्चे को घूर ना रहे हो, है ना। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो लंबा कुर्ता, लंबी टी शर्ट पहना दीजिए, राइट। सो दीज आर द क्विक रेमेडीज। अब घर में जैसे ये जो नाड़े वाला है, ये तो मैं अपने सेंटर में भी अप्लाई करती हूँ ऑन सर्टेन चिल्ड्रन, तो जब तक उनके कॉग्निशन पे काम हो रहा है तब तक दिस इज द वे टू डील विद इट, राइट। इसके अलावा एज आई सेड, जो आप बाहर करते हैं वही चीज़ घर में भी इम्प्लीमेंट कीजिए। बाहर के रूल्स अलग और घर के रूल्स अलग नहीं हो सकते। घर में एक स्ट्रिक्ट रूल बनाइए कि बच्चे का चाहे ड्रेसिंग हो चाहे अनड्रेसिंग हो, वो बाथरूम में ही होगा। उसके लिए आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। पहले आपको अपने में चेंज, अपने में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी इसको अप्लाई करने के लिए। स्ट्रिक्टली होना चाहिए कि बाथरूम में ही होगा। आप बच्चे, बच्चा नहा लिया तो हमारी टेंडेंसी होती है हम तौलिया लपेट के बाहर ले आते, नो हम वहीं पे एक स्टूल रखेंगे, बच्चा उस स्टूल पे ही बैठेगा, उसका पोछना, उसका कपड़े पहना, एवरीथिंग विल बी इन द बाथरूम। एंड स्ट्रिक्ट टाइम्स होने चाहिए, स्ट्रिक्ट रूटीन ऑफ ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग। नहाते समय, नहाने के टाइम पे अनड्रेसिंग होगा और फिर ड्रेसिंग होगा। जब आप टॉयलेट जाएंगे उस टाइम आप कपड़ा उतारेंगे, उस स्टूल पे रखेंगे, सुसु करेंगे, पॉटी करेंगे, आएंगे वहीं पे पहनेंगे और तभी बाहर निकलेंगे। और नाइट टाइम में जब आप, अगर आप नाइट सूट चेंज करते हैं बच्चे का, तो उस टाइम पे भी इन द टॉयलेट ही होगा, जो भी आपका बाथरूम स्पेस है वहीं होगा।
वहां एक स्टूल या एक चेयर रख लीजिए, क्योंकि बच्चे को पैंट पहनाना, बच्चे को चड्डी पहनाना, उसमें एक चेयर रहती है तो इट इज इजी, माँ बैठ के करना चाहे या बच्चे को उस पर बैठा के करना चाहे, अदरवाइज एक छोटे से स्पेस में करना खड़े खड़े मुश्किल होता है, तो वहां रख दीजिए। एंड स्ट्रिक्टली फॉलो दिस कि कपड़ों का उतारना पहनाना उस स्पेस में ही होगा, राइट? ये बच्चे का नहीं, ये हमारी, मतलब दिस अप्लाइज ऑन अस एज पेरेंट्स कि हम ये करें। हमारे सेंटर में टॉयलेट है, चाहे बच्चा कितना भी छोटा हो, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि वो बाहर चड्डी उतार के अंदर नहीं जाएगा। बच्चा कपड़ा गीला कर देते हैं, बच्चा उल्टी कर देते हैं, बहुत कुछ होता है। बच्चे का कपड़ा चेंज कभी भी पब्लिक स्पेस में नहीं होगा, उसकी फिक्स्ड, वो बाथरूम बना हुआ है वहीं पे जाके दरवाजा बंद करके ही होगा। सो ये घर में भी स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और आप विजुअल एड लगा लीजिए अपने बाथरूम में, जैसे यू कैन सी दिस विजुअल जो स्क्रीन पे है, ऐसी एक फोटो, 5-6 फोटोज का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बाथरूम में ये फोटो लगाइए कि देखो ये बच्चे का जो ये नीचे आएगा चड्डी, ये इज इन द बाथरूम ओनली, यही करना है। एक विजुअल है बच्चे को, हमारे बच्चे विजुअली जल्दी सीखते हैं, तो ये एक विजुअल एड है हमारे बच्चे के लिए। और बाकी जगहों पे यही फोटो पे एक ब्लैक क्रॉस लगा के कर दीजिए कि देखो नो, ये कपड़ा नीचे, या नो, एक बड़ा सा क्रॉस, काला क्रॉस बच्चे से ही करवा दीजिए, हर कमरे में लगा के क्रॉस कि यहां कपड़े को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, पीरियड, राइट? सो स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंट रूल्स ऑफ ड्रेसिंग कि कब ड्रेसिंग अनड्रेसिंग होगी, और दूसरी चीज कि कहाँ होगी, वेरी स्ट्रिक्ट। इसकी एक मॉडलिंग भी आप कर सकते हैं, बच्चे की कोई डॉल है तो बच्चा जहां कर रहा है तो डॉल का भी कर दीजिए, देखो डॉल को भी हमने यहाँ चड्डी उतारा, यहाँ पजामा उतारा, अभी यही पजामा पहनाएंगे, बाहर नहीं। बाहर बच्चा अगर डॉल को कर रहा है, मम्मी करी, नो 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 नो, बार बार। दिस विल नीड कंसिस्टेंसी फ्रॉम अवर एंड, फ्रॉम द पेरेंट्स एंड, फ्रॉम द टीचर्स एंड, राइट? सो दीज वेज। अब कुछ बच्चे जिनको सेंसरी इश्यूज है, वो गीला बर्दाश्त नहीं कर सकते, खाना गिर गया, कुछ भी मिट्टी लग गई, दे तुरंत गार्डन में मिट्टी लगी, वहीं के वहीं पजामा इज डाउन, दिस इज अ सेंसरी इशू, डिस्कम्फर्ट, लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो इसके लिए टू बिगिन विथ आप वो प्रोसीजर फॉलो कीजिए जहां एक बेल्ट या एक नाड़ा बांध दीजिए बच्चे का उल्टा, राइट? याद तब तक उनकी सेंसरी उस पर वर्कअप कीजिए, जैसे घर में हम कर सकते हैं कि बच्चे का खाना गिर गया, हमारे बच्चे की टेंडेंसी है तुरंत टी शर्ट उतार देगा, नहीं, वेट वेट वेट, आप खाना खिलाते खिलाते वहां कुछ डिस्ट्रैक्शंस रखिए, पॉपिट रख लीजिए, वो स्क्वीज बॉल रख लीजिए, अगर कोई टेक्सचर्स आपके बच्चे को पसंद है, किताब पसंद है, कलर्स पसंद है, वॉट एवर इट इज, ट्राई टू टेक हिम अवे, डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम दैट अर्ज टू अनड्रेस। मुझे एक सडन अर्ज आती है बच्चे को कि उतारो कपड़ा, उस समय एक क्विक डीप कंप्रेशन दे के ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट देम। ऐसे सिचुएशंस घर में क्रिएट कीजिए जहां बच्चे को, अगर आपको पता है कि अगर ये गिरेगा मेरा बच्चा कपड़ा उतार देगा, ये गीला होगा तो उतार देगा, या ये वॉट एवर इट इज, अगर ऐसा कोई सेंसरी इशू है तो वो घर में क्रिएट कीजिए वो इशू, लेट इट हैपन एंड देन ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योर चाइल्ड। तो कुछ सामान अवेलेबल रखिए, वो धीरे धीरे, एंड तब तक वो प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप बच्चे को बोल रहे हैं कि चलो मैं तुम्हें पॉपिट में डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, टेक्सचर में, लेकिन बच्चा लगा हुआ है अपनी पैंट को नीचे खींचने में, तो वो बेल्ट पहना के रखिए ना। बहुत बार जब बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है और नहीं कर पा रहा ना, तो धीरे धीरे दे गिव अप, जब उनको कोई रीइन्फोर्समेंट नहीं मिल रहा, उससे कोई पॉजिटिव गेन नहीं हो रहा, वो कोशिश बहुत कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा, तो थोड़ी देर के बाद वो गिव अप हो जाता है। सो वो सिचुएशन घर में क्रिएट करके बच्चे को ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट, और जब तक उसको हम वैसा ट्रेन करें तब तक उन्हें एक बेल्ट या नाड़ा या पिन
पिन अप करके रखिए उनके कपड़ों को ताकि उनके लिए नीचे खींचना मुश्किल हो, राइट। एंड लास्टली बच्चा अगर यू नो अपने जो जो भी उनका रेगुलर बिहेवियर पैटर्न है उससे थोड़ा भी अच्छा कर रहा है ना, तो खूब रीइन्फोर्स कीजिए उस चीज़ को पॉजिटिवली, इमोशनली। हाँ, ब्राइब नहीं करना है कि तुम पैंट पहन के रखोगे मैं तुम्हें चिप्स दूंगी, तुम पैंट उतारोगे नहीं तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। नो, दिस इज नॉट रीइन्फोर्समेंट, दिस इज ब्राइबिंग। ब्राइब नहीं करना है बच्चे को। रीइन्फोर्समेंट ऑलवेज हैज टू बी ईदर एन एक्टिविटी कि चलो तुम ये करोगे तो हम लोग सब शाम को बैठ के ये कैरम बोर्ड खेलेंगे, या हम पापा के साथ बाइक पे घूमने जाएंगे, या हम मम्मी के साथ शॉपिंगे शॉप तक जाएंगे सामान लेकर आएंगे। तो इट हैज़ टू बी अ एक्टिविटी, ऑलवेज रीइन्फोर्समेंट एंड अ लॉट ऑफ इमोशनल कॉन्फिडेंस टू द चाइल्ड। वेरी गुड, झप्पी, हाई फाइव, पापा आ रहे हैं, पापा को बता रहे हैं, दादी आ रही है, दादी को बता रहे, देखो इसने कपड़ा नहीं उतारा, वाओ वेरी गुड। चाहे बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बट दैट आपकी वो खुशी बच्चा बार बार देखना चाहिए कि किसी कारण से तो मेरी माँ मेरे से आज खुश है, राइट। सो खूब रीइन्फोर्स कीजिए। और लास्ट चीज, फिर भी बच्चा कपड़ा उतार दिया, होता है, नाड़ा बांधा है हमने लेकिन खींच खाच के उतार ही दिया उसने, नाड़ा वहीं रह गया कमर पे और पैंट नीचे है, तो भी उसका इतना हल्ला नहीं मचाना, अरे अरे क्या कर दिया हूं, नथिंग, ब्लैंक, कोई रिएक्शन नहीं, नथिंग एट ऑल, पहनो बेल्ट बांधो चलो काम पे, दैट इज इट। उसका भी हमारे टेंडेंसी क्या होती है, अच्छे को हम एक आधी बार बोल के छोड़ देते हैं लेकिन कुछ खराब हुआ तो उसका खूब हवा मचता है, नहीं, इट शुड बी द अदर वे अराउंड। खराब हुआ तो ओके, मेंड इट, ठीक करो, आगे बढ़ो, अच्छा हुआ उसका हवा मचा, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू ट्रेन अवर चिल्ड्रन टू बी एबल टू अंडरस्टैंड शेम, शर्म, और ऑफकोर्स कॉग्निशन बिल्डिंग, कि बच्चे को ये समझाना कि प्राइवेट स्पेस, पब्लिक स्पेस, बॉडी अवेयरनेस, वो सब तो करते करते ओवर ईयर्स आती है, बट दीज आर द थिंग्स जो आप इमिजिएटली इनटू प्रैक्टिस ला सकते हो, राइट। सो प्लीज ट्राई दीज एट होम, दे डू गिव रिजल्ट्स। शेयर योर फीडबैक विथ अस, शेयर द वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट द शक्ति स्प्रेड। विजय भव, तथा अस्तु, नमस्कार।